हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों आज अभी मैं लॉफ्ट में देर से आया हूं, क्योंकि आज जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैं आज लॉफ्ट में लेट से आया हूं। और अभी यहां पर जो कबूतर हैं, इन सबको मैंने दाना पानी दे दिया है। और अभी मैंने यहां पर आने के बाद क्या किया है वो देखें। जैसे यहाँ पर ये वाला जो मेरा डब था, यहाँ पर रहता था इसके ऊपर में, तो इसके केज को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। और ये वाला जो बड़ा वाला केस था, यहाँ पर नीचे में ईंट में रखा हुआ होता था, जिससे कि मुझे यहाँ पर नीचे में साफ़ करने में प्रॉब्लम होता था। इसलिए मैंने सोचा कि इसे ऊपर में इस तरह से लटका देता हूँ, जिससे कि मैं नीचे में आराम से साफ़ कर सकता हूँ, इससे साफ़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मैंने इसे यहाँ पर कर दिया है। और मुझे अभी ये वाला जो मेरा केज है, इसे यहाँ पर ऊपर में रख देना है, जिससे कि मेरा जो नीचे वाला एरिया होगा ये क्लियर हो जाएगा और मैं इन सबको आराम से साफ़ कर सकता हूँ। और अभी मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ, यहाँ पर जो मेरा ये वाइट वाला लखे का बच्चा है, ये देखे, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। और दूसरा भी पेयर मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ, यहाँ देखे, इसका पेयर ये वाला है, ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। और यहाँ पर ये वाला जो मादी थी, अभी इसने एक अंडा दिया था, तो मैंने इसके अंडे को हटा दिया है, इसलिए ये काफ़ी गुस्से में है। मैंने इसका अंडा इसलिए हटाया है क्योंकि इसके पास अभी एक छोटा बच्चा है, ये वाला शॉर्ट फेस का, तो अंडे पर ये बैठने लगेगी तो ये फिर इसे सही से नहीं पालेंगे, इसलिए मैंने उसे अंडे को हटा दिया। और यहाँ पर जो सिराजी है, इसने भी एक अंडा दे दिया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ, यहाँ पर जो मेरा मुखी का पेयर रहता है, इनके पास एक बच्चा है, आप लोगों ने पहले के वीडियो में देखा होगा। और इसका जो सर है, आपको शायद थोड़ा सूजा हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मेरा जो वाइट वाला ये मेल है, यहाँ पर है ये वाला, ये कल यहाँ पर घुसा हुआ था और इस बच्चे को मार रहा था, और मैंने नहीं देखा था, फिर अचानक से जब मैंने देखा तो इसके सर से ब्लड आ रहा था। तो वो वाला जो मेल है वाइट वाला, वो पहले इसी में रहता था और उसका पेयर मुखी मादी के साथ था, इसलिए बार बार वो इस वाले रूम में घुस जाता है और यहाँ पर वो लड़ाई करने लगता है, इसलिए मैं उसे वहाँ पर बंद करके रखता हूँ। और यहाँ पर अभी मेरे कुछ कबूतर अंडे में बैठे हुए हैं, जैसे ये ब्लैक वाला, उसके बाद यहाँ वाइट वाला जो मेरा पेयर है, ये भी अंडे पे है। और मेरा ये जो मद्रासी वाला है, इन्हें मैं पेयर लगाने के लिए यहाँ पर रखा हूँ, और मैंने बर्तन भी लगाया है ताकि ये अंडा इसमें दे सके। और जो देसी वाला पेयर है, इनके पास भी अंडा है। और यहाँ पर कुछ कबूतर ने फिर से अंडा दिया है, जैसे मेरा ये वाला, इसके पास दो अंडा है, ये देखे। और यहाँ पर एक अंडा है इसके, यहाँ पर आप देखें, और यहाँ पर दो अंडा है इसके पास, ये देखें। और यहाँ पर कुछ कबूतर अभी फिर से अंडा देने वाले हैं, जैसे ये वाला पेयर, और इसके पास दो अंडा है अभी, ये भी मैं दिखला देता हूँ आपको, ये देखें। तो इसी तरह से अभी कुछ कबूतर अंडे पे बैठे हुए हैं, कुछ अंडा दे रहे हैं, और कुछ के पास अभी बच्चा है। तो यहाँ पर ये जो जगह है, ये इनके लिए अभी थोड़ा नया हो गया है। यहाँ पर देखते हैं जो मेरा वाइट वाला लखे का पेयर है, यहाँ से आ जा सकता है या नहीं। और डब का भी मैंने जगह चेंज कर दिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।